गोराल प्रखंड के आरपीसीजे इंटर स्तरीय विद्यालय बेलवर घाट में लगातार हो रहे हेराफेरी की शिकायत पर जिले से शिक्षा विभाग के 3 सदस्यीय टीम विद्यालय में जांच करने पहुंची, जहां जांच के दौरान उन्हें विद्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई। इसकी गहन जांच की जरूरत है, ऐसा उन्होंने मीडिया से कहा। इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने के कारण लगभग 2000 छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा। इसी कड़ी में जांच करने आए जिले से लेखा पदाधिकारी जलधर कुमार रावत, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सत्यम कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक जिला साधन सेवी ने विद्यालय में आकर जांच किया और पाया कि विद्यालय में अनियमितता भरा पड़ा हुआ है। इसके गहन जांच की आवश्यकता है। योजनाओं में भी भारी लूट खसोट की बू आ रही है। विद्यालय में उन्नयन क्लास कागजों पर ही चलाया जाता है। जांच टीम ने जब उन्नयन क्लास रूम खोले जाने के लिए कहा तो चाबी नहीं होने का बहाना बनाकर रूम ही नहीं खोला गया। इससे उनका शक और भी पुख्ता हो गया। हमारे विद्यालय के जो भी स्टाफ लोग कई बार लिख के सर जा चुका है, वहाँ से कोई हम लोग को ये नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता। कई बार लिख के हम लोग विद्यालय का अभी हम लोग जांच किए हैं, विद्यालय का व्यवस्था सही नहीं लगा है, उसका रिपोर्ट हम लोग ऊपर करेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगा होगा। सर उन्नयन क्लास देखना चाह रहे थे, फिर चाबी नहीं मिला। उन्नयन क्लास का चाबी नहीं मिला, अब तो कोविड के चलते बता रहा लोग कि बंद ही बंद चल रहा है, लेकिन अभी तो ऑर्डर हो गया खोलने का, लेकिन अभी खोल नहीं रहा लोग, अब इसका देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, लेखा जोखा भी पूरा नहीं हो रहा है। लेखा जोखा 31 मार्च 2019 के बाद यहाँ कोई भी संधारण नहीं किया जा रहा है जी। उसके बाद जो भी निकासी हो रहा है तो अपने द्वारा कर ले रहा लोग, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा सही ढंग से, फेसबुक संधारित नहीं है, क्या माना जाए इसको? अब तो जांच करने पर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं कराया ला लोग, अब वो संधारित होगा, उसको चेक किया जाएगा कितना निकासी हुआ है।